जय माता दी। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामेस एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारे जीवन में बीमारियों का कारण हमारा खराब लाइफस्टाइल की बजाय वास्तु दोष होता है? यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उस दिशा से संबंधित आपको बीमारियाँ आ सकती हैं। यदि आपने अपने घर की दिशाओं का ठीक से ख्याल रख लिया तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी दिशा से कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं और उनसे पाने के राहत पाने के क्या उपाय हैं। यदि आपकी पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट में वास्तु दोष है तो आपको कौन सी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा में वास्तु दोष हो तो जातक को मुख और छाती और त्वचा से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि मुंह से संबंधित परेशानी, छाती से संबंधित परेशानी और स्किन से संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आपके घर का पश्चिमी भाग नीचा हो तो संतान को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। इसके अलावा घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो भी अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर घर में धन खर्च हमेशा लगा रहता है। आपको ऐसा लगता होगा कि यदि आपका पश्चिम में मुख्य द्वार है तो पता नहीं कैसे इतना पैसा खर्च हो जाता है, मतलब खर्चे लगातार बने ही रहते हैं। तो उसका कारण है आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में होना। यदि आपका किचन यानी कि रसोई घर भी पश्चिम दीवार पर है तो आपके परिवार के लोगों को पित्त और स्किन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सारी परेशानियों से राहत पाने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे? आपने उपाय करने हैं कि आपने अपनी पश्चिमी दिशा पर यानी कि वेस्ट की वॉल पर वरुण यंत्र स्थापित करना है और रोज़ उसकी पूजा करनी है। इसके अलावा आपने अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में एक अशोक का वृक्ष ज़रूर लगाना है। मान्यता है कि ऐसा करने से पश्चिम दिशा के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और जातक व उसके परिवार इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप ये सब समस्याओं को झेल रहे हैं तो लगाइए अपने घर में वरुण यंत्र और अपनी वेस्ट डायरेक्शन में अशोक का वृक्ष जरूर लगा के अपने जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा पाइए और जीवन में तरक्की व खुशहाली लाइए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।